हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ओबेक को एक गली में देखते हैं जिसे उसने अपने हिप्नोटाइज होते समय देखा था। वहीं उसने साथ ही ये भी देखा था कि एक लड़की उसी गली से जा रही थी, तभी उसे कोई आदमी पकड़ लेता है। ओबेक उस गली को देखकर कहती है, मैंने इस जगह को क्यों देखा। फिर वो अपने दिल में हाथ रखकर कहती है, मेरा दिल इतना जोर से क्यों धड़क रहा है। उसके बाद हम सांगयुक और जेही को देखते हैं, जहाँ जेही सांगयुक की तरफ गन करते हुए पूछता है, तुम कौन हो। साथ ही उन्हीं फोटो को भी उसके तरफ फेंकता है जो 1993 का था, जहाँ सांगयुक पुलिस होता है। और जेही पूछता है, इस फोटो में जो वो आदमी है वो कौन है। तो सांगयुक कहता है, मैंने कहा था ना कि वो मेरे डैड है। तब जेही डिजिटल एनालाइज की रिपोर्ट दिखाकर कहता है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सभी तरफ से दोनों ही आदमी सेम है। तब सांगयुक कहता है, तुम ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि मैं मॉन्स्टर या एलियन हूँ। और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पहले फोटो किसने भेजा है उसे ढूंढता। क्या तुमने चेक किया किसने भेजा फोटो। पहले भी ऐसा ही हुआ था, सभी पुलिस एक दूसरे पर शक कर रहे थे और एक दूसरे के साथ ही झगड़ा कर रहे थे। तब जेही कहता है, ये राइफल तुम्हारे पास कैसे आया, तुम ये क्या कर रहे हो। तब सांगयु दूर हटकर उसे चेक करने कहता है। तब जेही चेक करता है और देखता है उसमें प्लास्टिक की गोली है। उसके बाद वो राइफल से निशाने को देखता है, तब जेही देखता है दो लोग इंटीमेट हो रहे हैं। ये देखकर जेही शॉक होता है और वो सांगयुक से पूछता है, तुम ये क्या देख रहे थे। तब सांगयुक भी देखता है और वो भी ये देखकर शॉक होकर चिल्लाता है और कहता है, मैं ये नहीं देख रहा था, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हम ओबेक को देखते हैं, वो एक घर के बाहर जाती है जिसमें जियोंगा लिखा होता है, ये जियोंगा का घर होता है। तभी जियोंगा की मॉम बाहर आती है और वो ओबेक से पूछती है, तुम कौन हो। तब ओबेक कहती है, आपका घर बहुत सुंदर है। तब मॉम पूछती है, क्या तुम यहीं के आसपास की हो। तब ओबेक मना करती है और कहती है, मैं यहीं से जा रही थी। और वो बाय कहकर वहां से चली जाती है। उसके बाद हम जेही को देखते हैं, वो पुलिस स्टेशन जाता है। तब एक डिटेक्टिव उससे कहता है, आपको जिस एड्रेस से पार्सल भेजा गया था मैंने चेक किया, वहाँ के ओनर ने कहा है कि उन्होंने कुछ नहीं भेजा है और कुरियर नंबर भी एग्जिट नहीं करता है। तब एक दूसरा डिटेक्टिव जेही से कहता है, एक गेस्ट आए हैं। और हम देखते हैं उनशियो का हस्बैंड ह्यूनशियल आया होता है, जहाँ वो जेही से कहता है, तुम अभी तक मेरी वाइफ को क्यों ढूंढ नहीं पाए हो। अगर उसकी डेथ भी हो गई तो कम से कम उसकी बॉडी को तो ढूंढना चाहिए था ना। तब जेही सॉरी कहता है और कहता है, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं उन्हें ढूंढने में। तब ह्यूनशियल कहता है, मेरी वाइफ ने मुझे म्योंगशिक के साथ चीट किया, म्योंगशिक के सभी हरकतें सस्पिशियस है, तुमने अभी तक उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया, ये मेरी वाइफ के लिए अनफेयर है। मैंने टीवी में देखा था कि एक विटनेस सामने आई है, क्या मैं उसे मिल सकता हूँ। तब जेही मना करता है। उसके बाद हम जेही और सांगयुक को देखते हैं, वो दोनों केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद हम कल्पित को देखते हैं, वो एक घर के अंदर होता है और वो सांगयुक की फ़ोटो को ही देख रहा होता है। उसके बाद हम म्योंगशिक को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो एक लेडी एम्प्लॉय को देख रहा होता है। उसके बाद हम उसी लेडी एम्प्लॉय को फार्मेसी में देखते हैं, जहाँ से वो मेडिसिन लेती है। वहीं जब वो मेडिसिन लेकर बाहर आती है तो वो म्योंगशिक से टकराती है और वो अपने मेडिसिन को उससे छुपाती है। उसके बाद हम ओबेक को देखते हैं, वो अकेली जा रही होती है। तब वो रुक कर होजिन से कहती है, तुम मेरे साथ साथ क्यों नहीं चलते हो। तब होजिन उसके पास आता है। तब ओबेक उससे पूछती है, क्या सांगयुक अभी भी पुलिस स्टेशन काम के लिए आ रहा है। तब होजिन हाँ कहता है। ओबेक पूछती है, क्या सांगयुक तुम्हारे से अलग बिहेव करता है। तब होजिन कहता है, वो थोड़ा इरिटेट रहता है, कोई उन्हें परेशान कर रहा है। तब ओबेक पूछती है, कौन। तब होजिन उसके तरफ देखता है। तब ओबेक कहती है, मैंने क्या किया। उसके बाद होजिन ओबेक को घर छोड़ देता है। उसके बाद हम सांगयुक को घर में देखते हैं, जहाँ वो काम कर रहा था। साथ ही उसे डोंगशिल देख रहा होता है और वो याद करता है, जहाँ उसने डोंगपाल से पूछा था, अगर लास्ट मोटरफोर्स से पहले हम गायब हुए तो क्या होगा। तब डोंगपाल कहता है, तुम अपना चांस खो दोगे। उसके बाद हम फिर से सांगयुक को देखते हैं, वो अपने रूम जाता है और वो अपने पावर को देखने लगता है।
उसके बाद हम ओबेक को घर में देखते हैं जहाँ वो सांग्यू की किस करने वाली बात को ही सोच रही होती है। तभी उसके पास दौड़ा आती है और उससे पूछती है, क्या तुम्हें याद आया कल रात को क्या हुआ था, तुमने किसको किस किया, सुपरमैन या डिटेक्टिव को? तब ओबेक शर्माने लगती है। तब दौड़ा कहती है, सुपरमैन को ही किया होगा। उसके बाद वो दोनों बैठकर बात करते हैं जहाँ दौड़ा पूछती है, तुम्हारी फर्स्ट किस कैसी रही और तुम्हें अपनी फर्स्ट किस कैसे करनी थी? तब ओबेक उससे बताती है, मुझे अपनी फर्स्ट किस कैसे करनी थी। फिर वो कहती है, मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, वो मुझे अवॉइड कर रहा है, मैंने उसे फोर्स किया। नेक्स्ट सीन में हम दौड़ा को एकेडमी में देखते हैं जहाँ वो क्लास ले रही होती है और वो कहती है, किसी लड़की को डेट करना या नंबर मांगने के लिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने लुक पर ध्यान देना होगा जिससे लड़की तुम्हारे पास खुद आए। सो पहले चेंज होते हैं क्योंकि तुम लोग का अभी वाला लुक तुम्हें सूट नहीं कर रहा है। उसके बाद दौड़ा उन तीनों को कपड़े खरीदने लेकर जाती है जहाँ दौड़ा उन्हें स्टाइल करती है, साथ ही वो डोंगू को भी स्टाइल करती है और उसे ग्लासेस भी पहनाती है जिससे डोंगू दौड़ा से अट्रैक्ट होता है। उसके बाद दौड़ा उन तीनों का हेयर स्टाइल कराती है। वहीं जब डोंगू दौड़ा के पास जाता है तब एक बच्ची भागते हुए डोंगू से टकरा जाती है जिससे डोंगू और दौड़ा में किस हो जाता है। उसके बाद डोंगू शॉक होकर घर आता है और डायरेक्ट रूम में जाता है जिसे देख के डोंगशिल शॉक होता है। उसके बाद वो उसके पीछे पीछे उसके रूम में जाता है और छुपकर देखने लगता है। तब डोंगू कह रहा होता है, मैंने पहली बार किसी लड़की को किस किया, और वो ये सोचकर शर्माने लगता है। उसके बाद हम सांग्युक और जेही को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ वो दोनों म्योंगशिक का रिपोर्ट देखते हैं। तब एक आदमी रिपोर्ट देकर बताता है, म्योंगशिक ने 2019 से 2021 तक फिजिकल थेरेपी यहाँ ली थी जिसकी इंचार्ज इंश्योर थी। उसके बाद हम उन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ जेही होजिन से कॉल करके पूछ रहा होता है, ओबेक कैसी है, क्या उसने खाना खाया और उसका ख्याल रखना और उसे अच्छे से घर छोड़कर आना। फिर वो कॉल कट कर देता है। तब सांग्युक उससे पूछता है, तुम ओबेक को क्यों लाइक करते हो? तब जेही कहता है, क्योंकि वो सुंदर है। तब सांग्युक कहता है, बस यही रीज़न है क्या? तब जेही कहता है, मैंने पहले उसे लाइक करना इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि वो सुंदर है, लेकिन और भी रीज़न है, वो बहुत कूल है, उससे पता है किसके सभी विटनेसों की डेथ हो गई, तभी भी वो डरी नहीं, वो बहुत ब्रेव है। तब सांग्युक पूछता है, तुम उसके लिए क्या कर सकते हो? तब जेही कहता है, उसे प्रोटेक्ट, जिसमें मैं अच्छा हूँ। वैसे क्या तुम ओबेक को लाइक करते हो? तो सांग्यो कुछ नहीं बोलता है। तो जेही कहता है, यही हम दोनों में डिफरेंस है, मैं कायर नहीं हूँ जो अपनी फीलिंग छुपाता है। उसके बाद हम ओबेक को सीनियर डॉक्टर के साथ देखते हैं जहाँ ओबेक उनसे पूछती है, मैं क्या करूँ, वो मुझे कॉल भी नहीं कर रहा है, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे रात को ऐसे नहीं करना चाहिए था। तब बॉस पूछती है, कल रात को तुमने ड्रिंक के साथ क्या खाया था? तब ओबेक याद करती है, जहाँ उसने बहुत सारे ड्रिंक्स खाए थे, साथ ही अजीब अजीब हरकतें भी किए थे। तब बॉस कहती है, अभी तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। उसके बाद हम सांग्युक और टीनो क्यूपिड को देखते हैं जहाँ वो चारों खाना खा रहे थे। तभी डोंगू पूछता है, लोग किस क्यों करते हैं? ये सुनकर सांग्युक को खांसी आ जाती है। तो डोंगपा सांग्युक से पूछता है, तुम लाल क्यों हो गए? तब डोंगशिल कहता है, क्योंकि खाने में बहुत मसाला है। यहाँ डोंगशिल को पहले से ही पता होता है कि सांग्युक के केस के बारे में। उसके बाद हम फिर से ओबेक को देखते हैं, वो हॉस्पिटल से बाहर आती है, वहीं होजिन अभी भी उसमें नज़र रखा होता है। तभी ओबेक के पास हुनशियोल आता है और वो ओबेक से कहता है, मैं उनशियो का हस्बैंड हूँ। उसके बाद हम उन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ हुनशियोल कहता है, मैंने तुम्हें उस दिन पुलिस स्टेशन में देखा था, मैंने पुलिस से तुमसे मिलने की बात कही थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, और सॉरी मैं ऐसे तुमसे मिलने आ गया, मैंने सुना था कि तुम उनशियोल से लास्ट बार मिली थी, उसने तुम्हें क्या कहा था? मैं अपनी वाइफ से 29 साल पहले मिला था, मैं बहुत इंजर्ड था और उसने ट्रीटमेंट की थी, वो एक एंजल थी जो एक नर्स के रूप में आकर मुझे बचाया था। उसके बाद से मैंने अपनी लाइफ उसके लिए जिया, जिस रात वो गायब हुई थी मैं अपने काम से दूसरी जगह गया था, उस रात को जब तुमने उससे बात किया था तब उसने मेरे बारे में बात किया था क्या, उस आदमी के बारे में जिसके साथ उसका अफेयर था? तब ओबे कुछ नहीं बोलती है। तब हुनशियोल कहता है, मैं समझ गया, और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हम ओबे को देखते हैं, वो अकेली जा रही थी,
वहीं होजिन भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। तभी होजिन के पास कोई आता है। फिर ओबेक कहती है, मैंने तुमसे मेरे साथ चलने कहा था ना। तब उसके पास सांगयुक आता है। तब ओबेक पूछती है, होजिन कहाँ है? तब सांगयुक कहता है, मैंने उसे घर भेज दिया। तुमसे उनशो का हस्बैंड हुनशुल मिलने आया था, उसने तुमसे क्या कहा? क्या उसने तुम्हें प्रेशराइज किया किसी बात पर? तब ओबेक कहती है, वो बस ये जानना चाहता था कि उसकी वाइफ की मिसिंग होने से पहले उसने मेरे साथ क्या बात की थी, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं बता ही नहीं पाई। वहीं वो दोनों जा रहे थे, तभी वो दोनों देखते हैं एक कपल एक दूसरे को किस कर रहे थे, जिसे देखकर उन दोनों को अपनी किस वाली सीन याद आती है और वो दोनों वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगते हैं। उसके बाद ओबेक सांगयुक से कहती है, कल रात जो कुछ भी हुआ था उसके लिए सॉरी, मैं बहुत नशे में थी, लेकिन ये नहीं है कि मैं हमेशा यही गलती करती हूँ। मैं किसी को भी किस नहीं करती हूँ, चाहे मैं नशे में हूँ, मैं किसी भी लड़के के साथ कुछ नहीं करती हूँ। उसके बाद हम ओबेक को उसके घर में देखते हैं, वहीं सांगयुक उसके घर के बाहर होता है। उसके बाद हम डोंगू को देखते हैं, वो किसके बारे में ही सोच रहा था और वो कहता है, आज तक मैंने किसी को किस नहीं किया था, लेकिन वो मेरे तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। वहीं ये सब डोंगसिल सुन रहा था। फिर वो डोंगपाल के पास जाता है, जहाँ डोंगपाल कहता है, सांगयुक के साथ कुछ जरूर हुआ है, क्या उसने अपनी लाइन क्रॉस तो नहीं कर दी है ना? तो डोंगसिल कहता है, मुझे लगता है डोंगू को उस अजीब डेटिंग एकेडमी से कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है। वो कह रहा था कि वो लड़की उसे देखकर स्माइल कर रही थी। तब डोंगपाल कहता है, अभी मेन प्रॉब्लम सांगयुक है। तब डोंगसिल कहता है, मुझे लगता है डोंगू ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि उसे पहली बार 500 साल में प्यार हुआ है। उसके बाद हम ओबेक को देखते हैं, वो अजीब सा लुक करके पुलिस स्टेशन जाती है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक होते हैं। वहीं जेही और सांगयुक भी उसे देखकर हैरान होते हैं और ओबेक उन दोनों से कहती है, मेरे पीछे आओ। फिर सांगयुक और जेही उसके पास जाते हैं। तब ओबेक उनसे पूछती है, क्या तुम दोनों मुझे देखकर डर तो नहीं गए ना? मैंने ऐसा लुक तुम दोनों को डराने के लिए ही किया है। उसके बाद ओबेक उन दोनों को उसी गली में लेकर जाती है जो उसने हिप्नोटाइज होते समय देखा था और वो उनसे कहती है, मैंने ये जगह अपने ड्रीम में देखा था, जहाँ एक आदमी ने एक लड़की को पकड़ लिया था और उसे ले जाकर माउंटेन में दफना दिया था। तो जेही हंसते हुए पूछता है, क्या तुमने कल कोई हॉरर मूवी तो नहीं देखी ना? विक्टिम को अपने सपने में कैसे देख सकती हो तुम? तब ओबेक कहती है, शायद वो चाहती है कि मैं यहाँ आऊँ, मैंने एक और हाई स्कूल की लड़की को भी देखा था। तो जेही कहता है, हम यहाँ से चलते हैं, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। तो सांगयुक कहता है, ये वही जगह है जहाँ फोर्थ विक्टिम और जियोंगा रहती थी, वो यहीं से गायब हुई थी। तभी ओबेक देखती है एक आदमी दो स्कूल की लड़कियों का पीछा कर रहा है और उन्हें परेशान करता है। तभी ओबेक दौड़ते हुए उस आदमी के पास जाती है और वो उस आदमी को मारने लगती है। तब जेही सांगयुक से पूछता है, क्या विक्टिम यहीं रहती थी? तब सांगयुक हाँ कहता है और दिखाता है ये जियोंगा का घर था। यहाँ सांगयुक साथ ही एक सीन को भी याद करता है जहाँ जियोंगा स्कूल जा रही थी। उसके बाद वो तीनों एक घर के पास जाते हैं, जहाँ सांगयुक कहता है, ये जगह पहले मेरी जगह हुआ करता था। और सांगयुक और ओबेक उस घर के तरफ चले जाते हैं। वहीं जेही नहीं जाता है, तभी उसके पास एक लेडी आती है और कहती है, इस घर में कोई नहीं रहता है। तब जेही कहता है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं यहाँ आसपास देख रहा था, क्या आपको इस जगह के बारे में पता है? तब वो लेडी कहती है, मैं यहाँ 40 साल से रह रही हूँ और उस घर की बेटी बहुत साल पहले गायब हो गई थी और इस घर में कोई नहीं रहता है, लेकिन 20 साल पहले यहाँ 4 गुड लुकिंग लड़के रहते थे, नहीं 3, एक गुड लुकिंग नहीं था, वो फेरिस की तरह लगते थे, बहुत सारी हाई स्कूल की लड़कियाँ उनके पीछे पड़ी हुई थी, मेरे पास फोटो भी है। उसके बाद हम ओबेक को देखते हैं, वो एक रूम में जाती है जहाँ वो म्यूजिक बजाती है। यहाँ हम पास का सीन देखते हैं जहाँ जियोंगा वॉल में बैठकर सांगयुक के घर के तरफ मेंढक फेंक रही थी। वहीं सांगयुक मेंढक को देखकर स्माइल करता है। उसके बाद हम जेही और उस लेडी को देखते हैं जहाँ वो लेडी जेही को फोटो दिखाती है और सांगयुक को दिखाकर कहती है, इस लड़के पर मेरी बेटी को क्रश था। तब जेही डोंगसिल को देखकर कहता है, ये डॉग? तब लेडी कहती है, इसका नाम डेडनशिल था। तब जेही याद करता है, ये डॉग तो वही है जो सांगयुक के पास है। उसके बाद हम सांगयुक को देखते हैं, ओबेक उसके पास मेंढक लेकर आती है और उससे कहती है, तुम्हें स्माइल करते रहना चाहिए। तभी जेही
आकर ओबेक के हाथ को पकड़ के उसे बाहर लेकर जाता है और उससे कहता है, अब से तुम सांगयुक से दूर रहना। वहीं हम सांगयुक को देखते हैं, वो मेंढक को देखकर ओबेक की बातों को याद करता है। सेम यही बात उससे ज्योंगा ने भी कहा था और वो एरो को देखकर। उसके बाद हम फिर से ओबेक और जेही को देखते हैं, जहाँ जेही उसे घर लेकर जाने की बात करता है। तभी ओबेक फ्लावर पॉट देखकर उसके पास जाती है और वो वॉल में बैठ जाती है। उसके बाद जेही भी उसके साथ बैठ जाता है। वहीं सांगयुक बाहर आता है और वो जेही और ओबेक को देखता है और वो ओबेक में तीर मारने वाला था। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। और आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।